तन मन के धन दे सुखी रहो। मारा एवा तमने आशीर्वाद आपूछो सुखी रहो। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, वन अर्थ वन हेल्थ विजन अनाउंस किया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को वो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को प्रेज किया जा रहा है। इस मुल्क में अगस्त 2022 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन जो है 42% 42% से ज्यादा है, तो उसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की अम्बेसी के स्टाफ को भी वहां से रेस्क्यू किया है, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जो पॉलिटिकल एलीट है अपने आप को और अपने मुल्क को दुनिया में जाके बेइज्जत करती है, मैंने कभी भारत को या और मुल्कों को नहीं देखा। सूरत हाल ये है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी बात स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आजाद नहीं है, ठीक है, तो आजाद कश्मीर ने क्या आजाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। 60-70% वैक्सीन इंडिया की तरफ से ही पूरी दुनिया में सप्लाई की गई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात का 100वां एपिसोड किया, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात सुनने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस कड़ी में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात को सुनने 100 साल की महिला रामबेन पहुंची। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात सुनने के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ भारतीय प्रवासियों के साथ साथ कई अन्य लोग शामिल हुए और मन की बात कार्यक्रम को घर पर अकेले सुनने की बजाय समूह बनाकर सुना गया। इसमें 100 साल की रामबेन भी शामिल हुई, जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को आशीर्वाद दिया। रामबेन नाम की 100 साल की महिला की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह मन की बात के 100वें एपिसोड के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को आशीर्वाद देती नजर आ रही हैं। रामबेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुश रहो कहकर आशीर्वाद दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूडान में बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, ऐसे में हर मुल्क चाह रहा है कि वहां से अपने लोगों को निकाल ले, जो कि आसान काम नहीं है। इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों को निकाल रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारे अम्बेसी के स्टाफ को वहाँ से बचाया, वहाँ से निकाला। अक्सर हमने ये देखा गया है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, जैसे कि तुर्की में जलजला आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, इंडिया हमेशा बढ़ चढ़कर हर कंट्री की मदद करता है। सर, सूडान में जो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की अम्बेसी के स्टाफ को भी वहाँ से रेस्क्यू किया है, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे जी? ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इकदाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग है उनका ये इकदाम। अभी पाकिस्तान जिस तरह अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, हम डायरेक्टली अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे, हम यूएई और दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प ले रहे हैं, दूसरे पोर्ट पर अपने लोगों को पहुँचा रहे हैं, वहाँ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं, जबकि इंडिया जो है ना सिर्फ अपने लोगों को डायरेक्टली निकाल रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। यहाँ तक अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस ने साफ साफ कह दिया है कि जो हमारे लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखें, यूएस के बारे में तो मतलब ये सुना है तो मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड मुल्क है और वो चाहे तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि अपने शहरियों को जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, इवन उनको भी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, नेसेसिटीज़ हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अगर कुछ करें तो मेरे लिए एक नई बात होगी कि अगर उनके लिए एक्सेप्शनल कुछ करें तो।
बड़ी अच्छी आपने बात की कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों की जब फिक्र नहीं की जा रही तो उन्होंने वहाँ की क्या फिक्र करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, इंडिया हमेशा सबसे आगे आगे क्यों रहता है? देखिए उनकी प्रायोरिटीज़ है, मैं आपको मतलब इसमें माजी पर लेकर जाना चाहूँगा कि जब से हम सेपरेशन ली अंग्रेज़ों से हमने, तब से जो उनकी प्रायोरिटीज़ थी वो कहीं और सेट थी और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कहीं और सेट थी। यहाँ पे जो है हमारे कुछ मखसूस तबके ने, जो ज़मींदार थे तबका, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। इंडिया ऑलरेडी ही वर्ल्ड फार्मेसी कहलवाता है, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी से आईटी के सेक्टर में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, अब देखने में ये आ रहा है कि शायद इंडिया हेल्थ सेक्टर में भी अपना नाम बनाने जा रहा है। कोरोना के टाइम की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 60-70% वैक्सीन इंडिया की तरफ से ही पूरी दुनिया में सप्लाई की गई। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, वन अर्थ वन हेल्थ विजन अनाउंस किया है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को वो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या आईटी सेक्टर की तरह अब पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर में भी इंडिया अपना नाम बनवाने जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अच्छा अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहां पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मतलब लॉन्च कर चुके हैं एक अपना सिस्टम जिसे वन अर्थ वन हेल्थ के नाम से उन्होंने वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और ना और अपना जो उनका हेल्थ सेक्टर है उसे 4 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ग्रोथ करवा सकते हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपको लगता है कि इंडिया इतनी तेज़ी से हेल्थ सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं? नहीं वैसे तो पाकिस्तानी हमें इंडिया से बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं, मोदी के साथ पर्सनली बहुत सारे इशूज़ हैं, पर मोदी जो इंडिया में जो काम कर रहा है वो बियॉन्ड द लिमिट है, वो शायद अमेरिकन भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, होपफुली वो करें क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन जो भी हो हमने दुश्मन वाली सोच को भी वैसे बदल, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि वो तो जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट दिया जाता है वो तो एक ही हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर यही कंसेप्ट दिया जाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी भी बना चुके हैं अपनी कंट्री को और हेल्थ सेक्टर में आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं? नहीं हमारी पर्सनल मैसेंजर्स वगैरह पे बात होती है, कभी वीडियोस देखते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडियंस अपने मोदी की गवर्नमेंट से इतने नाखुश हैं, इश्यूज़ हर जगह में अब पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा से इश्यूज़ है, हम तो उससे भी ज़्यादा हमारे मसले हैं, लेकिन ये हमने बूस्ट अप किया हो गया, हमने उनको सिर्फ नीचे दिखाने के लिए बातें करते हैं, बाकी इस तक कोई मुझे नहीं लगता कोई मसला है। ऐसा नहीं है। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है वो ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम पूरी दुनिया को हेल्थ सेक्टर में मतलब हेल्प करेंगे, सब के लिए पूरी दुनिया के लोगों के लिए हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान भी आता है, तो क्या फिर इंडिया पाकिस्तान को भी हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा आने वाले टाइम में? हाँ ये उन पे ही डिपेंड करता है, वो पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान भी आता है। नहीं हमारे ताल्लुकात पे डिपेंड करता है, मुझे पर्सनली लगता है कि अभी हमें दुश्मनी से निकल के हमें जब तक हम क्योंकि आपके नेबर्स आपके साथ अच्छे होंगे